लगभग 9.5 महीने तक स्पेस में रहना पड़ा सुनीता विलियम्स को, जबकि गई थी वो मात्र 8 दिन के लिए। एक आदमी को मजबूरी में अगर घर से 4 दिन भी एक्स्ट्रा बाहर रहना पड़ जाए तो उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है। अब सोचो, हमारी भारतीय वीरांगना 9.5 महीने अपनी धरती से दूर स्पेस में फंसी हुई थी। आखिर हुआ क्या था? वो कब से स्पेस में फंसी हुई थी? उन्हें वापस लाने में क्यों हुई देरी? आइए जानते हैं। अंतरिक्ष जहां समय और चुनौतियां अनंत हैं, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जो इस अनंत में फंसकर भी दुनिया को हैरान कर रही है, और वो है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। 5 जून 2024 ये वो तारीख है जब सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का होना था, लेकिन 9 महीने बाद भी वो अंतरिक्ष स्टेशन ISS में फंसी हुई थी। जी हाँ, ये मिशन टेस्ट फ्लाइट का था, जो एक कभी खत्म ना होने वाला बुरा सा सपना बन गया था। सुनीता का मिशन था बोइंग के स्टारलाइनर को टेस्ट करना। दरअसल नासा ये जानना चाहता था कि क्या ये यान भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित ले जा पाएगा, लेकिन ये टेस्ट ही रियल टाइम एग्जाम में बदल गया। सुनीता और उनके साथी विलमोर ने इस अंतरिक्ष यान में रहकर कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन धरती पर लौटने का रास्ता उनके लिए आसान नहीं रहा। दरअसल स्टारलाइनर यान में कुछ टेक्निकल गड़बड़ियां पाई गई, जैसे हीलियम्स लीक होना, थ्रस्टर्स का ठीक से काम न करना। दरअसल नासा इन्हें ठीक करने में जुटा हुआ था, क्योंकि स्पेस में रिस्क लेने का मतलब है मौत को दावत देना, और सुनीता की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसलिए इंजीनियर्स यान को पूरी तरह चेक कर रहे थे। इंजीनियर्स द्वारा कई बार प्रयास भी किए गए, परंतु किसी ना किसी गड़बड़ी के कारण उनकी वापसी को टालना पड़ा। पर अच्छी खबर ये रही कि फाइनली 19 मार्च को अमेरिका के फ्लोरिडा के बीच पर स्पेसएक्स के ड्रैगन क्राफ्ट में उनकी धरती पर वापसी हुई। नासा ने इसका लाइव प्रसारण भी किया। सुनीता सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि एक रिकॉर्ड ब्रेकर है। उन्होंने स्पेस में 50 घंटे से ज्यादा की स्पेस वॉक की है। ये किसी भी महिला का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। 2007 में उन्होंने ISS से ही बोस्टन मैराथन पूरी की, धरती पर दौड़ते लोगों के साथ स्पेस में ट्रेडमिल पर। सुनीता साबित करती है कि हिम्मत और हार न मानने की जिद से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। सुनीता विलियम सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की मिसाल है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियां चाहे धरती पर हो या अंतरिक्ष में, हार नहीं माननी चाहिए। कमेंट में 2 शब्द सुनीता विलियम्स के बारे में जरूर लिखना। अगर आपको भी सुनीता विलियम्स का भारतीय होना गौरवान्वित महसूस करवाता है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए सोचो, समझो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।